गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम मोरल का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? रिवेंज। क्या है? REVENGE। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। अगर हमें किसी ने हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, तो हम क्या करते हैं? बदला लेते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया है, एक स्टोरी रिलेटेड है किससे? रिवेंज से, बदला लेने पर। अब देखते हैं उसकी हैप्पी एंडिंग हुई या सैड एंडिंग हुई, कैसी एंडिंग हुई। तो उसको स्टोरी पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कैसी एंडिंग हुई। तो स्टार्ट करें स्टोरी को पढ़ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A group of monkey lived in a dense forest. ग्रुप ऑफ मंकी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्या है? मंकियों का समूह, बहुत सारे बंदरों का समूह। A group of monkey lived in a dense forest. मतलब बहुत सारे बंदरों का समूह एक घने जंगल में रहता था। They used to climb the tamarind tree to play. मतलब वो इमली के पेड़ पर खेलने के लिए, इमली का एक पेड़ था वहाँ, उस पेड़ पर खेलने के लिए छड़ा करते थे। द मदर मंकी यूज्ड टू कम फर्स्ट एज यूजुअल ऑन द टॉल टमरन ट्री। मतलब हर बार की तरह जो मदर मंकी, मतलब जो मदर मंकी का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, बंदरों में जो मम्मी हो ना, बंदर मम्मी, तो क्या हर बार की तरह वह इमली के पेड़ पर आया करती थी। सबसे पहले वही आया करती थी। शी यूज्ड टू होल्ड हर बेबी, मतलब वह अपने बच्चे को पकड़ा करती थी। परहैप्स अ वीक ओल्ड, और जो उनका बच्चा था वो कितना बड़ा था, मतलब जो बंदर का छोटा सा बच्चा था वो एक हफ्ते का ही था, शायद एक हफ्ते का ही था। क्लास्प्ड टू हर बुज़म, और क्या होता था, वो उनके छाती से हमेशा चिपका रहता था। आपने देखा होगा बंदरों के बच्चे हमेशा बंदरों से, उनकी छाती से चिपके रहते हैं। देन फिर शी यूज्ड टू क्लाइम अ हाई ब्रांच टू फीड हर बेबी। तो फिर क्या करती थी, वो बड़ी सी ब्रांच पर चढ़ जाती थी, किस लिए? अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, A dozen of other monkeys used to appear to hold and fondle the baby. तो क्या बहुत सारे, dozen मतलब 12 बंदर वहाँ पर आ जाते थे, और क्या करते थे, वो बच्चे को पकड़ लिया करते थे, उसको प्यार करते थे, मतलब उस बच्चे के साथ वो खेला करते थे, और बच्चा भी उनके साथ खेलता था, मज़े करता था उनके साथ। The mother would sit proud and content on the branch of tree. और जो मदर थी, जो मदर मंकी थी, तो और बंदर उसको खिलाते रहते थे बेबी को, तो जो मदर मंकी थी वो ट्री की ब्रांच पर आराम से गर्व के साथ और संतुष्ट होकर बैठा करती थी। She would soon claim the baby back and give it another feed. और क्या करती थी, फिर वो अपने बच्चे को वापस ले लिया करती थी, और फिर उसको दोबारा खाना खिलाया करती थी। मतलब एक पेड़ पर, एक इमली के पेड़ पर मदर मंकी डेली आया करती थी, और बहुत सारे बंदर भी उनके साथ आया करते थे, वो लोग बेबी के साथ खेला करते थे, बेबी को प्यार किया करते थे, और जो मदर मंकी थी वो आराम से वहाँ पर बैठा करती थी। थोड़ी देर बाद वो उस मदर मंकी अपने बेबी को वापस ले लिया करती थी, और उसको दोबारा खाना खिलाया करती थी। ठीक है, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, देन शी यूज टू कम डाउन फॉलोड बाई अदर मंकीज एंड यूज टू गो अवे टुगेदर आफ्टर सम टाइम। फिर क्या होता था, कुछ देर बाद वो दूसरे मंकियों के साथ क्या होती थी, उनके साथ ही चली जाती थी। मतलब वो वहाँ पर इंजॉय करते थे, और अपने बच्चे को वो खाना खिलाया करती थी, फिर कुछ देर बाद सारे मंकीज चले जाते थे। बट
दैट डे, लेकिन उस दिन। द मंकी सैट सेपरेटली ऑन द ब्रांचेस एंड लुक्ड क्वाइट एंड टिमिड। मतलब उस दिन क्या हुआ, जो सारे बंदर थे, पहले सब बंदर एक ही साथ बैठा करते थे, लेकिन उस दिन सारे बंदर अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग बैठे हुए थे, और कैसे बिल्कुल चुप बैठे हुए थे और थोड़े घबराए हुए से लग रहे थे। वो चुप थे और थोड़े घबराए हुए थे। अब क्यों घबरा रहे थे वो? द मदर ऑल्सो सीम्ड टेंस्ड। मतलब माँ भी, जो मदर मंकी थी, वो भी थकी हुई लग रही थी। द बेबी वॉज हाफ कंसील्ड। और जो बच्चा था वो आधा छिपा हुआ था। अ ह्यूज मंकी वॉज मूविंग अराउंड द टमरेंट ट्री। एक बड़ा सा बंदर किसके चारों ओर घूम रहा था? इमली के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। मतलब वहाँ पर कोई और बंदर आ गया था, जो डेली आता है वह नहीं आया, और एक बड़ा सा बंदर वहाँ पर आ गया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। वह पेड़ पर चढ़ गया। कौन से पेड़ पर? इमली के पेड़ पर, जहाँ पर बाकी सारे बंदर बैठे हुए थे। सब अलग अलग बैठे हुए थे, तो मदर मंकी वहाँ पर आके बैठी थी, और वो भी कैसी थी, थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी थकी हुई थी, और उन्होंने देखा कि बड़ा सा बंदर एक इमली के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। वॉज लगा है, घूम है नहीं, घूम रहा था। द अदर मंकीज ऑल्सो बिकेम स्कैट एंड टेंस्ड। बाकी सारे मंकी भी, और बाकी जो मंकी थे, वो भी बहुत डर गए थे, और वो भी कैसे लग रहे थे, थके हुए थे। मतलब उन्होंने देखा एक बड़ा सा बंदर इमली के पेड़ के चारों ओर आ गया है, इमली के पेड़ पर आ गया है, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। इट वॉज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब ये उनके लिए असुरक्षित। उन्हें डर लग रहा था कि जो बड़ा सा बंदर है, कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं चोट ना पहुंचा दे, या वो इस इमली के पेड़ की सारी इमलियां नहीं खा जाए। तो वो लोग उस दिन बहुत डरे हुए थे और थके हुए थे। ही सडनली स्पन राउंड डैश्ड अप द ट्री एंड सैट बिफोर द मदर मंकी। ही सडनली, वे अचानक घूमा और कहाँ आ गया, अचानक घूमा और पहले तो पेड़ पर चढ़ गया। कौन से पेड़ पर चढ़ गया? जहाँ पर मदर मंकी बैठी हुई थी, तो उस पेड़ पर वो चढ़ गया और मदर मंकी के पास आकर बैठ गया, उनके सामने आके बैठ गया। द मदर ट्राइड टू शील्ड हर बेबी विद हर बॉडी। जो मदर थी, जो मंकी, जो माँ थी, उसने क्या किया, जो मदर मंकी थी, उन्होंने अपने शरीर से अपने बच्चे को छिपाने की कोशिश की, उनको ढकने की कोशिश की। बट लेकिन शी वॉज लिम्प्ड विथ फियर। लेकिन वह डरी हुई थी, मतलब डर के साथ वो वहीं पर सिमट के बैठी हुई थी। द इविल लुकिंग ह्यूज मंकी स्नैच्ड द बेबी अवे कॉमा थ्रू इट अप इन द एयर एंड द बेबी फेल ऑन द ग्राउंड। मतलब द इविल लुकिंग ह्यूज मंकी, मतलब जो बड़ा बंदर था, कैसा लग रहा था वो? बुरा, बिल्कुल दुष्ट जो बंदर था। स्नैच्ड द बेबी अवे, उसने क्या कर लिया, जो मदर मंकी के पास बेबी था, उस बेबी को खींच लिया, अपनी तरफ ले लिया। थ्रू इट अप इन द एयर, और हवा में फेंक दिया। एंड द बेबी फेल ऑन द ग्राउंड, और बच्चा जमीन पर गिर गया। मतलब उसने मदर मंकी से उस बच्चे को छीन लिया, स्नैच्ड मीन्स छीन लिया, और उसको हवा में फेंक दिया। हवा में फेंकने के बाद जो बच्चा था वो जमीन पर गिर गया। इट ऑल हैपन्ड इन फ्यू सेकेंड्स। यह सब कुछ सेकेंड्स में हो गया। उसने क्या किया, बड़े से मंकी ने, मदर मंकी के पास आके वो बैठ गया। मदर मंकी ने अपने बच्चे को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या किया, उसने कोशिश की, लेकिन वह भी बहुत डरी हुई थी, और बड़ा बंदर आया, जो कैसा लग रहा था, बहुत बुरा,
बुरा लग रहा था, बड़ा बंदर आया और उसने उस बच्चे को छीना और छीनकर हवा में फेंक दिया। हवा में फेंकने से बच्चा ज़मीन पर गिर गया और यह सब कितने सेकंड्स में हुआ, कुछ ही सेकंड्स में यह सब हो गया। तो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये मदर मंकी है, ये उनका बेबी है और ये ईवल मंकी जो वहाँ पर बुरा सा बंदर आ गया था बहुत बड़ा वो है। द मदर वॉज शॉक्ड फॉर अ वाइल, देन शी बर्स्ट इनटू अ लाउड क्राई। पहले देर थोड़ी देर के लिए जो मदर थी, जो मदर मंकी थी, वो क्या हो गई, चौंक गई। मतलब हम कोई चीज़ ऐसी देखी ना जो बहुत, तो जब उसने बंदर को फेंका, उसके बच्चे को फेंका, तो पहले उसको उस कंडीशन को देखकर वो बहुत चौंक गई और फिर एकदम से शी बर्स्ट इनटू अ लाउड क्राई और एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। द मंकी सेट बारिंग द पैसेज डाउन द ट्री। मतलब जो मंकी था वो उस रास्ते से गुजरकर, वहाँ से गुजरकर नीचे पेड़ के नीचे आके बैठ गया। द मंकी सेट बारिंग द पैसेज डाउन द ट्री का मतलब है कि जो मंकी है, जो बंदर था, जो ईवल मंकी था, वो क्या वहाँ से गुजरकर नीचे पेड़ के नीचे आके बैठ गया। एंड और आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद ही टर्न्ड अवे, मतलब वह वहाँ से चला गया। मतलब उसने ये सब वहाँ पर करा, बच्चे को फेंका, फिर क्या हुआ, वहीं से होकर वो पेड़ के नीचे आया और थोड़ी देर बाद, पेड़ के नीचे से थोड़ी देर बाद वो चला गया। और मदर मंकी क्या कर रही थी, बहुत ज़ोर से रो रही थी। द मोमेंट द ह्यूज मंकी लेफ्ट, द एटमोसफियर गॉट फिल्ड विद द रिवर्बरेशंस ऑफ पेनफुल क्राइस। मतलब क्या हुआ, जब बड़ा बंदर, जो बड़ा बंदर वहाँ था, विशाल बंदर था, वो वहाँ से गया, उसके बाद बड़े बंदर के जाने के बाद क्या हुआ कि मदर मंकी थी वो बहुत तेज़ चिल्लाई, तो उनके चिल्लाने से बाकी सारे बंदर भी बहुत तेज़ चिल्लाने लगे। मतलब वहाँ का जो वहाँ का एटमॉस्फियर था वो दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। मतलब पूरे जंगल में दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। ऑल द मंकीज केम डाउन द ट्री, सारे बंदर नीचे आए, पेड़ से नीचे आए। एंड और गैदर्ड अराउंड द बेबी, और जहाँ पे बच्चा गिरा हुआ था उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। द बेबी वॉज डेड, बच्चा मर चुका था, मर गया था। ऑल द मंकीज बिकेम क्वाइट, और जो सारे मंकीज थे, जो सारे बंदर थे, वो क्या हो गए, चुप हो गए। मतलब पूरे जंगल में शांति छा गई और शांति, सब बच्चा मरा हुआ था तो उसको देखकर सारे बंदर शांत हो गए और जो मदर मंकी थी वो बहुत तेज तेज से रोने लगी। मतलब सारे ही बंदर वहाँ पर रो रहे थे, वहाँ पर अब हंसी का माहौल ख़त्म हो गया था। और कैसा माहौल आ गया था, दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। द मंकीज सेट इन अ नैरो सर्कल, जो मंकीज थे, जो बंदर थे, वो एक गोले में, मतलब एक सर्कल में बैठ गए। द मदर स्टार्टेड बीटिंग हर ब्रेस्ट विद हर पॉज, जो मदर मंकी थी वो अपनी छाती को क्या, अपनी छाती को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, अपनी छाती को पीटने लगी। क्या करने लगी, अपनी छाती को पीटने लगी, किससे, विद हर पॉज, मतलब अपने पंजे से वो अपनी छाती को पीटने लगी कि हाय मेरा बच्चा गिर गया, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो बड़ा बंदर आया और उसने ये काम कर दिया, उसने मदर मंकी के बेबी को फेंक दिया। पूरा जो जंगल था उसमें चीख ही चीख सुनाई दे रही थी, सभी बंदर बहुत दुखी थे, बच्चा मर चुका था, और जो मदर मंकी थी वो अपनी छाती को अपने पंजों से पीटने लगी। तो ये सब वहाँ पर जंगल में हो रहा था, ठीक है। तो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए, और आइज़ क्लोज़ करने के बाद जो कंडीशन आपने अभी, मैंने आपको जो सिचुएशन बोली, उसको एक बार आइज़ क्लोज़ करके इमेजिन करिए कि आखिर उस जंगल का माहौल कैसा होगा। तो पिक्चर के थ्रू भी आप थोड़ी सी हिंट ले सकते हैं, तो इसके थ्रू
आप इमेजिन कर सकते हैं आखिर वहाँ जंगल का माहौल कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही चैप्टर रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन वहाँ क्या हुआ। ठीक है, तो आप आज इस चैप्टर को पढ़िए, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।